वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ निरंतर मोहल्लों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें आपस में सामाजिक दूरी बनाकर रहने और प्रशासन की मदद करने की बात बताई जा रही है। वहीं सामाजिक दूरी बनाए रखने के फायदे भी बताने के साथ साथ उन्हें दिन में हर 2 घंटे पर हाथ धुलने के लिए घर से निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगाने हेतु भी समझाया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को महिला थाने की टीम ने हुमायूंपुर में निवास कर रहे लोगों को कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के संबंध में विस्तृत रूप से बताने के साथ ही साथ गरीब व असहाय लोगों की मदद करते हुए उन्हें खाद्य पदार्थ व अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया गया। इस दौरान महिला कांस्टेबल गुंजन यादव, संगीता सिंह सहित अन्य महिला कांस्टेबल मौजूद रही। दिन भर बच्चों को भी बाहर मत खेलने दो, घर के अंदर रखो। और तुम लोग आपस में भी ये नहीं कि शाम हो गई बाहर सब इकट्ठे बैठ गए, इकट्ठे मत बैठो, अलग अलग बैठो, क्योंकि जितना तुम लोग दूर रहोगे एक दूसरे से वही इसका बचाव है। सफाई का ध्यान रखो और तुम लोग मुंह पे मास्क लगाने के लिए कहा गया है, जब भी घर से बाहर निकलोगी मुंह पे मास्क लगा के निकलोगी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो कभी तो तुम लोग बताना, लेकिन एकदम अपने घर में रहना है, सबसे दूरी बना के रखना है, कोई एक दूसरे से मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। बात बहुत जरूरी पड़े तो दूर, जैसे इतने दूर हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, दूरी से बात करो, पास से नहीं। बच्चों को बाहर खेलने मत दो, ये नहीं कि शाम हुई सब घर के लोग बाहर निकल के खेलना शुरू कर दिए, बिल्कुल नहीं। और अगर जो नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, इसलिए आराम से घर में रहो तुम लोग, ठीक है, जाओ। कोरोना वायरस की बीमारी का नाम सुने हुए, सबको दूरी बना के रखने के लिए कहा गया है, घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत जरूरी होगा तभी निकलोगे, कोई एक जाएगा अपना काम करेगा चलाएगा, और जब भी घर से बाहर निकलोगे क्या करोगे, मुंह पे मास्क जरूरी है। और बच्चे हैं तुम लोगों को दिन में 10 बार हाथ धो लो साबुन से, जितनी बार हो सके उतनी बार हाथ धो। सफाई का ध्यान रखो, अपना सफाई, अपने आसपास सफाई, सामाजिक दूरी बनाओ। लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन मतलब समझते हो ना, सब बंद, अपने घर में रहना है, किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, बहुत जरूरी हो तभी निकलो, नहीं तो अपने घर के अंदर रहो, कोई बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकलेगा, ठीक है, ठीक है, जाओ। कोरोना वाला बीमारी के नाम सुने हो तुम लोग, कैसे बचाव करना है, एक दूसरे से बात भी नहीं करना है, घर से बाहर निकल के सब इकट्ठे बैठ जाते हो, अपने अपने घर में रहो, बच्चों को भी अपने घर में रखो, बाहर मत निकालो, बाहर मत खेलने दो, जो दूरी बना किसी से होगा, किसी से हाथ मिला लिए फैल जाएगा गंदगी, किसी को कहीं गंदा वो छू के गया तुम भी छू लिए गंदगी फैल जाएगी, वो हो जाएगा वायरस। सबसे अच्छा हाथ धुलो दिन में जितनी बार हो सके, घर से बाहर जब भी आओ हाथ पैर धुलो, सफाई रखो अपनी, और लॉकडाउन का पालन करो, अपने घर में रहो, सामाजिक दूरी बना के रहो। आप जब तक सरकार इतना कर रही है, तुम लोग की सुरक्षा के लिए, तो तुम लोग उनकी मदद करो और हम लोग की मदद करो, घर में रहोगे तो हम लोग की मदद होगी। और फालतू अनावश्यक रूप से घर के लोग बाहर जाए तो जाने मत दो, बच्चों को भी घर के अंदर रखो, ठीक है।